हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुकेशन अप ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थी हूँ, कृषि रसायन में अपना लेसन नंबर 6 अम्ले एवं लवण प्रभावित मृदाएं डिस्कस कर रहे हैं। उसमें आज अपन टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं अम्लीय मृदा बनने के कारण। पिछली क्लास में अपन ने अम्लीय मृदाओं का परिचय पढ़ा था, आज पढ़ेंगे अपन अम्लीय मृदा बनने के कारण। यहाँ पर आपके सामने पांच मुख्य कारण है जिससे मृदा क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। क्लियर? पहला कारण है आपका पैतृक पदार्थ की प्रकृति। पैतृक पदार्थ का मतलब है, अपने लेसन नंबर 1 में पढ़ा है, चट्टान जब टूटती है तो किस में परिवर्तित होती है, मृदा में परिवर्तित होती है। तो इसका मतलब मृदा का पैतृक पदार्थ कौन है, चट्टान है। दूसरी बात करेंगे बेस का क्षीण हो जाना। बेस का मतलब है कि जो मृदा का आधार है या मृदा में उपस्थित जो आयन है वो किसी कारण से बाहर चले जाते हैं, तो उसके कारण से उसकी अम्लता बढ़ जाती है। तीसरा है अपने पास में अम्ले उर्वरकों का लगातार प्रयोग। मृदा में अपन फसल का उत्पादन करते हैं और उसके लिए अपन लगातार उर्वरक प्रयोग करते हैं। अगर वो उर्वरक आपके अम्लीय प्रकृति के है तो क्षारीयता को कम कर देते हैं, अम्लता को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है आपका जीवांश पदार्थ। जीवांश पदार्थ क्या करते हैं बेटा, जीवांश पदार्थ मुख्यतः विघटन का कार्य करते हैं, विच्छेदन का कार्य करते हैं, और विच्छेदन के कार्य में इनमें विशेष प्रकार के अम्लों का उत्पादन होता है जिससे अम्लता में वृद्धि हो जाती है। और लास्ट है आपकी सूक्ष्म जैविक क्रिया। जीवांश पदार्थ के द्वारा होने वाली सूक्ष्म जैविक क्रियाओं के द्वारा अम्लता में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसको मैंने टॉपिक को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। आज अपन इसमें से तीन टॉपिक पढ़ेंगे, पैतृक पदार्थ की प्रकृति, बहस का क्षीण हो जाना और जीवांश पदार्थ। जो पार्ट बी है उसमें अपन ये तीसरा और पांचवा पॉइंट डिस्कस करें। तो देखिए बेटा, पैतृक पदार्थ की प्रकृति ध्यान से समझिएगा। मुख्यतः जो मृदा है उसका निर्माण किससे होता है, चट्टानों के विखंडन से। किससे होता है बेटा, चट्टानों के विखंडन से क्या बनती है, मृदा। क्या बनती है, मृदा बनती है। और मृदा में मुख्यतः क्या होते हैं, क्वार्टज और सिलिका। क्या होते हैं, क्वार्टज और सिलिका, जो कौन सी प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये सिलिका जल के साथ क्रिया करके, किसकी बात कर रहे हैं अपन, सिलिका की बात कर रहे हैं। सिलिका जल के साथ क्रिया करके दो प्रकार के अम्ल बनाते हैं जिससे अम्लता बढ़ जाती है। उन अम्ल के नाम और सूत्र दिए हैं, ऑर्थो सिलिसिक अम्ल। क्या नाम है, ऑर्थो सिलिसिक अम्ल। सूत्र हो जाएगा आपका H2O.SiO2। दूसरा है ट्राई सिलिसिक अम्ल। कौन सा है, ट्राई सिलिसिक अम्ल, H2O.3SiO2 3 राइट। तो इन अम्लों के कारण क्या होते हैं, पैतृक पदार्थ मतलब चट्टान नौका जो विखंडन होता है उसमें मुख्यतः क्वार्टर सिलिका होती है, जो कौन से प्रकृति की होती है, अम्ले प्रकृति की होती है। सिलिका जल से क्रिया करके ऑर्थो सिलिसिक अम्ल और ट्राई सिलिसिक अम्ल बनाती है जिससे मृदा क्या हो जाती है, अम्ले हो जाती है। बात क्लियर है? आगे देखिए, बहस का क्षीण हो जाना। इसकी बात कर रहा हूं मैं, बहस का क्षीण हो जाना। तो देखिए, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या होता है, जहां पर अधिक वर्षा होती है, वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में जो बेस आयन है, कौन से, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, वो वर्षा जल के साथ चले जाते हैं और उनके साथ H+ आयन आ जाते हैं, उनकी जगह पर H+ आयन आ जाते हैं जिससे मृदा की क्या हो जाती है, अम्लता बढ़ जाती है। इसको अपन किससे समझेंगे, रासायनिक समीकरण से। देखिए बेटा, जल है, जल ने किससे क्रिया की, CO2 से। किससे क्रिया की, CO2 से। क्या बनाया, देखो H2CO3, क्या बनाया,
H2CO3। बेटा ध्यान रखना, ये समीकरण आपके लगभग 3 से 4 दिन चलेगी। H2 से क्या बना? CO2। क्या बना? H2 ने क्रिया की, CO2 से क्या बना? H2CO3। इसको बोलेंगे अपन कार्बोनिक अम्ल। क्या बोलेंगे? कार्बोनिक अम्ल। बिल्कुल माइंड में फिट कर लो, ये समीकरण आपको हर जगह मिलेगी। H2O प्लस CO2 क्या बना? H2CO3। क्या कहेंगे इसको? कार्बोनिक अम्ल। अब आप जानते हो जो मृदा संकीर्ण होता है, मृदा क्ले होती है, उसकी सतह पर कौन से आयन होते हैं? Ca+2। इसको बोला जाता है मृदा क्ले या मृदा संकीर्ण। क्लियर? इससे कौन क्रिया करेगा? H2CO3। कौन क्रिया करेगा? H2CO3। तो क्या हो जाएगा? देखो इस क्ले की सतह पर कौन सा आयन आ गया? देखो H+ और साथ में क्या बन गया? CaCO3। क्या बन गया? CaCO3। और ये CaCO3 आपका किसमें बदलेगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट में। इसको तो बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। ये अघुलनशील है, परंतु ये इस कार्बोनिक अम्ल से, इससे इस कार्बोनिक अम्ल से क्रिया करके, देखो कैसे क्रिया करता है, ये जो CaCO3 बना है ये किससे? कार्बोनिक अम्ल से क्रिया करेगा। देखो इधर CaCO3 प्लस H2CO3, तो यहाँ बन जाएगा अपने पास में CaHCO3 का होल ट्वाइस। इसको बोलेंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलेंगे बेटा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। राइट, जो क्या है? जल में घुलनशील है। क्या है? जल में घुलनशील, जो निक्सालन के द्वारा, किसके द्वारा? निक्सालन के द्वारा बाहर निकल जाता है। क्लियर? तो इस तरह से मृदा संकीर्ण पर उपस्थित कैल्शियम आयन की जगह देखो क्या आ गया? H+ आयन, जिससे किसमें वृद्धि हुई? अम्लता में वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होती है? अम्लता में वृद्धि होती है। क्लियर? तो इस तरह से अधिक वर्षा के कारण बेस का क्या हो जाता है? क्षीण हो जाता है, जिससे अम्लता में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट अपन इसमें आपको चौथा पॉइंट पढ़ना है, जीवांश पदार्थ। इसकी बात करेंगे अपन, जीवांश पदार्थ। तो जीवांश पदार्थ का जैसे ही विघटन होता है तो उनसे क्या रिलीज होती है बेटा? CO2 मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है? CO2 मुक्त होती है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा हूं मैं, जीवांश पदार्थों के विघटन से क्या मुक्त होती है? CO2 मुक्त होती है, और जल के साथ में क्या बनाती है? H2CO3। मैंने कहा था ये रिएक्शन आपकी बार बार रिपीट होगी। क्लियर? और ये H2CO3 वही, ये अपने पास क्या आ गई? मृदा संकीर्ण। कौन से आयन इसके ऊपर? Ca+2। क्या कहेंगे इसको? मृदा संकीर्ण। क्लियर? और ये किससे क्रिया करेगी? H2CO3 से। और यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास में? ये क्ले, इसके ऊपर आपका H+ आ गया, यहाँ भी H+ आ गया, और ये बन गया CaCO3। क्या बन गया? CaCO3। क्लियर? और ये CaCO3 अपने किससे क्रिया करेगा? H2CO3 से क्या बना लेगा? CaHCO3 का होल ट्वाइस, जो निक्सालन के द्वारा क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है या जल में घुल जाता है। इस तरह से ये जो CO2 है कहां से आई है? जीवांश पदार्थों के विघटन से। किससे आई है बेटा? जीवांश पदार्थों के विघटन से। क्लियर? इस तरह से किसमें वृद्धि हो जाती है? अम्लता में वृद्धि हो जाती है। अम्लता में वृद्धि हो जाती है। क्लियर? इस तरह से अपन आज की क्लास में पैतृक पदार्थ की प्रकृति के कारण किस तरह से अम्लता बढ़ती है, बेस का क्षीण हो जाना किससे अम्लता बढ़ती है, और जीवांश पदार्थों का विघटन से कैसे अम्लता बढ़ती है, इन तीनों कारकों के द्वारा अम्लीय मृदा कैसे हो जाती है, इसके बारे में आज डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आए होगी।
आज के लिए इतना ही। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।